सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच पापी जियरा लोभ करत है आजकल उठ जाएगा
सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। तो मुख चोटा खाएगा मन राम सिमर, राम सिमर, राम सिमर पछताएगा। क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय रब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत कर जानेगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत कर जानेगा। साध संगत कर जानेगा, संगत तर जानेगा मन राम सिमर, राम सिमर, राम सिमर पछताएगा।
पछताएगा मन राम सिमर पछताएगा राम सिमर राम सिमर पछताएगा राम सिमर। राम सिमर पछताएगा मन घर से बोलिए धन गुरना। बाबा नंद सिंह जी के वचन है ना, जो नहीं जपेंगे जो नहीं सिमरेंगे पछताएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरना। पछताना किसे कहते हैं? जब समय हाथ से निकल जाए, मौका हाथ से निकल जाए, बाजी छूट जाए, पछताते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जो नाम नहीं जपेंगे राम नाम का सिमरन नहीं करेंगे पछताएंगे। जब 84 भुगतनी पड़ेगी, हर से बोलिए धन गुरु नानक कि क्यों नहीं जपा। और दूसरे वचन कितने कमाल के, कि जो जपेंगे वो भी पछताएंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की बात है, जो नहीं जपेंगे वो तो पछताएंगे और जो जपेंगे वो भी पछताएंगे। वो तब पछताएंगे जब पता चलेगा कि इतनी ज्यादा कीमत है नाम की, मैंने ज्यादा क्यों नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय क्यों व्यर्थ गवाया मैंने, मौका था मेरे पास नाम जपने का, पर मैंने उस समय को व्यर्थ कामों में गवाया। जपा मैंने पर थोड़ा जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कीमत पड़ेगी ना नाम की, हैरान हो जाएंगे। हैरान पदवियां मिलती है देवताओं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों कहा है इस देही को सिमरे देव, देवते तरसते हैं कि ये शरीर मिल जाए। क्यों? कि जो मुकाम मिल गया वहीं पर रुके हुए हैं, अब आगे बढ़ना है तो नाम जपना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरसते हैं कि एक मौका और दे दो हे निरंकार, हम पूरा दिन रात केवल नाम जपेंगे। पर जब यहाँ आते हैं, माया ऐसी मत मारती है कि भटक जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही बात कबीर जी समझा रहे हैं कि राम सिमर पछताएगा मन। समय हाथ से निकल गया फिर पछताएगा कि मैंने क्यों नहीं जपा। माता अपने बच्चे से कहती है ना,
पढ़ाई कर लिए नहीं तो पछताएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि पढ़ाई का समय है, यही मौका है, नहीं तो पछताएगा। पिता अपने पुत्र को समझाता है काम सीख ले नहीं तो बाद में पछताएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी को हम पर तरस आया है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उनकी वाणी दर्ज की है, गुरु अर्जन देव जी महाराज को हम पर तरस आया है, समझा रहे हैं। समझाता आदमी किसे है, जिससे प्रेम हो, अनजाने को नहीं समझाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसकी फिक्र हो, हमारी फिक्र है भक्तों को, हमारी फिक्र है गुरु को, समझा रहे हैं कि राम सिमर नहीं तो पछताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जप ले मौका है, 24 घंटे हैं, सो ले खा ले, बाकी जितना समय सेवा सिमरन में बिता, काम कर हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन, चित्त को निरंकार से जोड़ कर, काम करना है, बातें करनी है, बोलना पड़ेगा, पर हर चीज के पीछे कोई अर्थ होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नहीं तो पछताएगा। भगत कबीर जी कह रहे हैं कि राम सिमर पछताएगा मन, पापी जियरा लोभ करत है, ये जियरा पापी है, लोभ करता है, इकट्ठा कर लूं और, पर ये भूल जाता है कि आज काल उठ जाएगा, पता नहीं कि अभी हैं कल हैं कि नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कल की बात भी बहुत दूर की रही, पता ही नहीं होता कब तक है, किसी को नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नींद में मृत्यु हो जाती है, नींद में पता ही नहीं चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्वास खत्म हुए जहां पर भी होंगे मृत्यु आ जाएगी, आनी ही है, फिर पछताएंगे क्यों नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कबीर जी कह रहे हैं जप ले, जप ले राम सिंह पछताने पछताएगा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर पछताएगा, राम सिमर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुलाहिंगा, तन जो बन का गर्व न की जय, कागद जो गल जाहिंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा धन, तेरी जवानी जैसे कागज पानी में गल जाता है, ऐसे गल कर खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गला हुआ कागज नाली में बह जाता है, किसी को याद भी नहीं रहता। बड़े से बड़े लोग हुए, राजे महाराजे, ऐसे ऐसे राजे महाराजे हुए, वाणी कहती है, जब चलते थे कई योजन तक छतर झूलता था उनके सर पर, आज उनका नाम तक कोई नहीं जानता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई योजन, कई किलोमीटर्स तक छतर, छत पे, सर पर इतनी सेना कि जहाँ से गुजरे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है तो प्रसाद सवैये में, इतनी सेना, इतनी बड़ी बड़ी सेना कि नदियां सूख जाएं पानी पिए वो तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पर आज उनका नाम कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्होंने नाम नहीं जपा।
भगत कबीर जी के समय कितने राजे हुए, कितने महाराजे हुए, उन्हें कोई नहीं जानता, और भगत कबीर जी जब तक सृष्टि रहेगी उनका नाम रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों नाम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने जपा है श्वास श्वास जपा है जिन्होंने, उनका नाम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हो गया, उन्हें माथा टेकते हैं हम रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जौ जम आए केस गह पटके, ता दिन कछ ना बसाएगा। जिस दिन जमदूत लेने आ गए, केसों से पकड़ कर पटकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो वाणी है ना, एक 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 ना, कुछ दिन पहले दास ने यूट्यूब पर किसी की इंटरव्यू सुनी, वो मरकर वापस आया है, फॉरेन का है, पता नहीं कौन सी कंट्री थी, शायद कनाडा ही था। उसने एक एक बात कहते हैं, मैं नहीं मानता था, मैं मित्र थोड़ा सा करता था, कभी किया कभी नहीं किया, ना कोई ज़्यादा बानी पड़नी, गुरुद्वारे माथा टेकना कभी कभी, जैसे आम हम होते हैं। कहने का मुझे हार्ट अटैक आया कि पता नहीं क्या हुआ, मुझे इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल लेकर जाएगा, सबसे बड़े हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सारी टीम लगी हुई है डॉक्टर्स मुझे बचाने के लिए, 15-20 लोगों की टीम लगी हुई है, पर मैं बाहर से देख रहा हूँ, मेरी आत्मा शरीर से निकल चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते उसी वक्त जमदूत आए, बालों से मुझे घसीट कर पटक पटक कर लेकर के, डिटेल में है वो वीडियो, कह लेगा तब मुझे ज्ञान हुआ, वाणी जो कहती है एक एक चीज सत्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लंबी कहानी है, बात वहां पर खत्म होती है। कहने लगा कि सामने के महापुरुष खड़े थे डंडा लेकर, मुझे याद आया कि इनसे मैंने ये बात को कहीं कुछ और तरीके से ना ले जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बोली वाली संगत है, हर बात को अपना ही रंग दे देती है, तो बोलने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है इस बात को गलत ढंग से नहीं ले जाना। उन महापुरुषों से कुछ उधार लिया था इसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष डंडा लेके खड़े हो गए, इसलिए मेरा उधार चुकाने है, वापस भेजो इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब लोग मुझसे पैसे ले लेंगे या किसी महापुरुष से पैसे ले लेंगे बैठ जाएं, इसका मतलब ये गलत नहीं निकाल लेना। एक बहाना था महापुरुषों ने बताना था कि नाम की ताकत कितनी है, जो नाम जपते उनकी ताकत कितनी है, कि जमदूत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वापस भेजा इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मेरे प्राण वापस आए, कहने लगे नर्सों ने मुझे गले से लगा लिया, क्योंकि कहने लगे कि 1 घंटा हो गया था आपको मरे हुए, सारे सब कुछ खत्म हो गया है, सब दिख रहा है सामने कंप्यूटर में, कुछ है ही नहीं, पल्स नहीं है, श्वास नहीं है, फिर जान कैसे वापस आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो एक एक बात जो यहां पर लिखी है उसे समझो बारीकी से। सच है कैसों से घसीटते हैं जमदूत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पटक पटक कर पीट पीट कर लेकर जाते हैं जो नहीं जपते नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उनसे इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं, इंटरव्यू लेने वाले भी एक कीर्तनीय है, उनका नाम है भाई हरचरण सिंह जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़ी प्यारे रागी हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, वो उनका इंटरव्यू ले रहे वहां पर, और पूछते हैं फिर आपके जीवन में बदलाव क्या है। कहने के बदलाव यही है कि बस दिन रात सत्संग ही करता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की कीमत पता चल गई, अब समय व्यर्थ नहीं गवाता, पता चल गया है कि नाम की कीमत क्या है। नाम जपने वाले ने मुझे बचाया, नाम ने मुझे बचाया, अगर मैं खुद जपूंगा तो जमदूत मुझे हाथ नहीं लगा सकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है पछताओ के बाद में, जो जम आए केस गए पटके, ता दिन कछ न बसाएगा। उस दिन तेरी ताकत किसी काम नहीं आएगी, जो यहाँ पर तेरी ताकत है, तेरी पहचान है, कोई तुझे छुड़ा नहीं सकता, कोई तुझे बचा नहीं सकता। ता दिन कछ न बसाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है क्या, राम सिम पछताएगा, राम सिमर राम।
पछताएगा राम सिमर राम सिमर राम सिमर बड़ी बात है नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्या बाणी कह रही है कच्चों से रिश्ते तोड़ दे पक्कों से बना पक्का कौन है ढूंढ कौन सज्जन संत कोई नाम जपने वाला दिन रात श्वास श्वास सिमरन करने वाला ऐसो से मित्रता कर ले ढूंढ सज्जन संत पक्या ओ जीवंदे विछड़े तेरे जितने भी रिश्ते नाते जीते जी भी तुझे छोड़ देंगे और एक संत से अगर तूने रिश्ता बना लिया ना मरने के बाद भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर हर से बोलिया धन गुरु नानक। ये आदमी कहता है कि मैंने उनकी संगत बहुत थोड़ी देर की थी बहुत थोड़ी देर उन संतों की पर फिर भी वो आ गए बचाने। फिर हर से बोलिया धन गुरु नानक धन गुरु नानक। नाम जपने वालों से दोस्ती करो पछताना नहीं पड़ेगा। फिर हर से बोलिया धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जब भी कोई रिश्ता बनाने लगो लड़की के लिए रिश्ता देखने लगो सबसे पहले देखा करो कि लड़के का जीवन है अमृत वेले उठेगा। अगर नहीं उठता तो अगर वो लड़की कहती कि अमृत वेले उठना पड़ेगा वो माने हाँ उठूंगा तो रिश्ता करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही बात लड़कियों के ऊपर लागू करो आपके बहाने कोई जुड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ दरबार में कुछ रिश्ते हुए कुछ दिनों में बड़ी खुशी होती है। लड़की की डिमांड भी ये कि लड़का अमृत वेले उठना चाहिए और लड़के की डिमांड भी ये कि लड़की अमृत वेले उठनी चाहिए। घर तो स्वर्ग हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है जिस घर में पति पत्नी अमृत वेले उठ के नाम जपे एक साथ कहते थे और स्वर्ग कहाँ ढूंढना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पछताना नहीं पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। सिमरन भजन दया दया नहीं करोगे दया नहीं मिलेगी। आखिर में अरदास काम आते ना तरस कर दया कर गुरु प्रसाद वर्ता। कैसे वर्ताए थाली में जब मांस बनकर आता है खाते हैं नॉनवेज आपके भोजन में आने के लिए उसे किस किस तसीहों से गुजरना पड़ा है कटना पड़ा है तलना पड़ा है कितनी दर्द सहना पड़ा है आपको दया नहीं आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो हम पर दया क्यों करे अगर हमें दया नहीं आ रही है। तो दया चाहिए दया करनी पड़ेगी। सिमरन भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। अगर दया नहीं की मुंह पर चोटे पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज के वचन सिंहा उपल को कि जितनी छुरियां बकरे के गले में चलेंगी उतनी छुरियां तेरे गले पे भी चलेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू दया नहीं करेगा तुझ पर भी दया नहीं होगी। उस वक्त दया की भीख मांगेगा पर नहीं मिलेगी। तूने कही तूने की थी दया नहीं की थी। इसलिए बेनती है जो लोग अब भी मांस खा रहे हैं मुझे पता है गुरु नानक की मेहर से लाखों लोगों ने छोड़ा है पर अगर पॉइंट बीच में आया है तो थोड़ा डिटेल में दास इसलिए लेता है कि शायद क्योंकि बहुत लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं कि कीर्तन सुना मांस छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शराब छूट गई पता नहीं कौन सा दिन किसके लिए बड़भागी हो चोट लग जाए दिल पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोट लग जाए जितना समय बचा है कम से कम उतना तो बचा लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक। नहीं तो पछताना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। तब मुंह छिपाता फिरेगा कि मैंने ये जो हरकतें की है सारी फिल्म चला दी जाती है ना सामने फिर डर लगता है फिर मुंह छुपाते हैं अपना कि मैंने ये सब किया है। क्या मुख लेके जाएगा जब धर्मराज हिसाब किताब खोल के बैठेगा क्या मुख लेके जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आखिर में बड़ी कमाल की बात कह दी है कहत कबीर सुनो रे संतो। कहने के कबीर जी कहते मेरी एक बात सुन लो अगर इनसे बचना है इन सब से और जपना है नाम एक काम कर लो साध संगत तर जाएगा। ये जो गुरु ने हमें बख्शी है ना सत्संगत
इसमें आके बैठ जाए, तर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो रोज सुबह नेम कर रहे हैं ना, जिनका नित्य नेम है, जो अमृत ले उठ रहे हैं, वो तो भूल जाओ कि जमदूत हाथ भी लगा पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना, सब ते वड्डा सतगुरु नानक। हमारा राखा गुरु नानक है, जिनकल राखी मेरी, हमारी रक्षा करने के लिए वो है। बाबा नानक सिंह जी को तो बचन है, एक बार जिसने प्रेम से गुरु नानक कह दिया ना एक बार, उसको भी जमदूत हाथ नहीं लगा सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक हमसे कितनी बार बुलवाता है उसका तर्स, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहत कबीर सुनो रे संतो, सात संगत तर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, सात संगत तर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, सात संगत तर जाएगा। कहत कबीर संतो, साध संगत तर जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। साध संगत तर जाएगा, राम से मरे, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर, राम सिमर, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी बहुत निराले ढंग से इस बात को समझाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं ना, मन हार बैठते हैं, अब तो समय बीत गया, अब हमारे पास समय नहीं कि नाम जप सके, बुढ़ापा आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने पाप कर लिए, इतने गलत काम कर लिए, अब कहाँ बख्शे जाएंगे। ये गुरु नानक का दर है। कोई ढह पड़े मन से, अपने गुनाहों को याद करके माफ़ी मांग ले और आगे से ना करे, गुरु बख्शता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहते हैं, जितना समय बचा है उतना संभाल ले, ये मत सोच के समय खत्म हो गया। भाई वीर सिंह जी की घटना याद है ना, उनके मित्र की, उनका मित्र बेड पर पड़ा है, आखिरी श्वास से गिन रहा है। भाई वीर सिंह जी पहुंच गए, कमाई वाले महापुरुष थे, कहने लगे मैंने बहुत पाप किए, मेरा क्या होगा, अब मुझे डर लग रहा है, घबरा रहा हूं मैं, मृत्यु मुझे दिखाई दे रही है, अब जमदूत मुझे पकड़ेंगे, क्या होगा मेरा। भाई वीर सिंह जी कहने लगे, जितने श्वास बाकी हैं हर श्वास के साथ वाहिगुरु कहें, वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। एक नाम जपने वाले ने, एक भरोसे वाले ने, एक सिद्धक वाले ने ये वचन कर दिए कि जितने श्वास बचे उतना जप ले। तू वाहेगुरु की कीमत को नहीं जानता, तू जप ले बस, जितनी समय तेरे पास है। भाई वीर सिंह जी उसे मिलकर चले गए। कहते हैं कि दो दिन बाद मुझे अमृत वेले हरिमंदर साहब में परिक्रमा कर रहा था, गोल्डन टेम्पल हरिमंदर साहब, तो दुखपंजनी बेरी के पास मुझे मेरा वो मित्र मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये सब कहाँ घट रहा है, सपने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्वप्न आया इन्हें कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं। देखिए गुरुमुख महापुरुष स्वप्न में भी हरिमंदर साहब की परिक्रमा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नींद में सपने में वो देख रहे हैं कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं, मेरा मित्र वहां मिला, और हाथ जोड़कर कहने लगा,
आपने मुझे बचा लिया, आपने जो मुझे वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन दिया उसके सदके आज मैं हरिमंदर साहब में खड़ा हूँ, मुझे जमदूतों ने हाथ नहीं लगाया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मैं जैसे ही मेरी नींद खुली भाई वीर सिंह जी ने उसी वक्त एक सेवादार भेजा कि जा उसके घर पता कर उसकी मृत्यु कब हुई, ये सच है कि झूठ है सपना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और पता किया तो उसके श्वास पूरे हो चुके हैं और मित्र की आत्मा हरिमंदर साहब पे मिली है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितना समा बचा है जप लो, कभी मन मत हारो के समा बीत गया हाथ से, नहीं जितना बचा है बचा लो। ये बात भाई गुरुदास जी समझा रहे हैं कैसे, श्रवण कीजिए। जैसे नाव फूटत से जो बचे सोई भलो, जैसे नाव फूटत से जो बचे सोई भलो, जो बचे सोई भलो, बूड गए पाछे पछतायो रह जात है, बूड गए पाछे पछतायो रह जात है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नाव डूब रही हो समुद्र में, अब डूब रही है तो क्या नाव के साथ डूब जाए? यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी जान तो बचाएंगे, कम से कम जान ही बच जाए, सामान तो गया नाव भी गई, क्या उसके साथ डूब जाए? नहीं, अगर डूब गए तो बाद में पछताएंगे, अपनी कम से कम जान बचा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तेरा बचता है उतना बचा ले, नहीं तो पछताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे जैसे घर लागे आग, जैसे घर लागे आग, जोई बचे सोई भलो, जर पूज है पाछे कछ बस न बसात है, जर पूज है पाछे कछ बस न बसात है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे घर में आग लग जाए, भाई साहब भाई गुरुदास जी समझा रहे, तो जितना सामान बचता है आदमी बचाने की कोशिश करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि छोड़ देता है कि सब जल जाए, नहीं मेहनत करता है कि जितना बच जाए उतना सही, कुछ तो बच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे जितना समय तेरा बीत गया है कोई बात नहीं, जितना बचा है उसमें जप ले राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उतना जप ले जितना समय बचा है, ये मत सोच के समय खत्म हो गया है, एक एक सेकंड कीमती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे जैसे चोर लागे जागे जोई रहे सोई भलो, जैसे चोर लागे जागे जोई रहे सोई भलो, सोए गए रीतो कर देखे उठ प्रारत है, सोई गए रीतो कर देखे उठ प्रारत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में चोर आ गए, चोरी करने लग गए, आंख खुल गई, चोर सामान लेके तो भाग गए पर सारा नहीं लेके जा सके, कुछ छोड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि तू उठ गया है, जितना बचा उतना ही भला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर घर में आ गए हैं, तू जाग गया, पर अगर सोया रहता सारा कुछ खत्म हो जाता, तू जाग गया कुछ बच गया, जाग जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरुदास जी कहते हैं अब भी जाग जा, जाग जा, जितना समा बचा है उसे संभाल ले। अब ज्ञान हो गया है ना कि पहले समा व्यर्थ गवा लिया बहुत सारी चीजों में, अगर अब ज्ञान हो गया है तो संभाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे हाथ में है समा कहाँ गवाना है, लेखे लगाना है गवाना है, हमारे हाथ में है। ये कर्म का सिद्धांत है। कृष्ण जी कहते हैं सब कुछ परमेश्वर करता है पर कर्म का अधिकार उसने नहीं छीना है। कर्म हमारे हाथ में है, पैसे उसने दे दिए, हमारी मर्जी है दूध पिए कि शराब पिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस कर्म का अधिकार उसने नहीं छीना है,
समय हमें दे दिया उसमें नाम जपना है कि गलत काम करने हैं, वो अधिकार हमारा है, ये कर्म का अधिकार है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तैसे अंत का गुर चरण शरण आवे, तैसे अंत का गुर चरण शरण आवे, पावे मोख पदवी नतर बिललात है। से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरुदास जी कितनी प्यारी बात कहते हैं, कहते हैं अंत समय में कोई याद कर ले, वाणी कहती है ना अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे, बदित त्रिलोचन तेर नर मुक्ता पितंबर वाक्य हृदय बसे। कहने के अंतकाल में भी कोई गुरु के शरण में आ जाए, अंतकाल में कुछ श्वास बचे और शरण में आ जाए, पावे मोख पदवी नतर बिललात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु की शरण प्राप्त हो जाए अंतकाल में भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे देर से ज्ञान मिला पर अगर मिल गया है तो समा संभाल लो। भाई साहब भाई गुरुदास जी कह रहे हैं नहीं संभालेंगे तो क्या होगा। ओ राम सिम पछताएगा, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर राम सिमर राम सिमर पछताएगा, राम सिमर राम सिमर पछताएगा, राम सिमर राम सिमर। ओ पापी जिया राम लोभ करत है, पापी जिया राम लोभ करत है, पापी जिया राम लोभ करत है, पापी जिया राम लोभ उठ जाएगा, आज बाल उठ जाएगा, आज बाल उठ जाएगा, आज बाल उठ जाएगा, राम सिमर पछताने
राम सिमर पछताएगा, राम सिमर राम सिमर, राम सिमर पछताएगा, राम सिमर करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के नानक लई ते आए फिर अंगद गुर कहै अमर दास होई सहाय अर्जन हर को बिंदना अर्जन हर को बिंदना सिमर श्री हर हर कृष्ण त्याई है जिसे सब दुख जाए एक बहादुर सिमरिए नाम दया है ताए सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए जी सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। करा
ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੇ ਸਫਲਾ ਹੋਏ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੂਰ ਦਿਆਰਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗਤ ਪਸਾਰਾ ਬਸ ਮਿਲ ਜਾ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ रहे खाल सारे जग तो नियारा सब नच रहे भाईचारा खाल सारे जग तो नियारा गूंजे खालसे दा अंबरी जकारा भीड़ा कौम ते ना पैण दुबारा मेरे प्रीत मां जियो ਵਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਓੜ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਓੜ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਜਾ ਚੁਰਾਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
गुरु जी सदा सहा। Thank you.
जग करता जग हरता।